आज हम करेंगे क्रियाकलाप बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये प्रश्न संबंधित होंगे कक्षा 8 के पाठ 7, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो शुरू करते हैं अपना क्रियाकलाप बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वन में वृक्षों की कटाई किस उद्देश्य से की जाती है? और इसके विकल्प हैं, नंबर 1 कृषि के लिए, और विकल्प 2 है कारखानों के निर्माण हेतु, और तीसरा विकल्प है ईंधन के लिए। विकल्प 4 उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है विकल्प 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का क्या कारण है? और आपके विकल्प हैं वृक्षारोपण, वनोन्मूलन, वन संरक्षण और सभी। और सही जवाब है विकल्प 2 वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, जल चक्र के संतुलन का बिगड़ना और वर्षा दर में कमी होने का क्या परिणाम हो सकता है? जिसके ऑप्शंस हैं सूखा, बाढ़, जल संवर्धन और ह्यूमस। सही जवाब है ए, यानी सूखा। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं क्या कहलाता है? जिसके ऑप्शंस हैं नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, अभयारण्य या कोई नहीं। का सही जवाब है ऑप्शन 3 अभयारण्य। प्रश्न नंबर 5 है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं क्या कहलाता है? इसके विकल्प हैं अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल और जैव विविधता। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 6, वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? जिसके विकल्प हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव विविधता। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न 7, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? और आपके विकल्प हैं वनस्पति जात, प्राणी जात, समजात और संपत्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 प्राणी जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 वनस्पति जात, 2 प्राणी जात, 3 समजात और नंबर 4 है सभी। और इसका सही जवाब है विकल्प 1 वनस्पति जात। प्रश्न 9, किसी क्षेत्र के जैव और अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? और आपके विकल्प हैं प्राणी तंत्र, प्रजातंत्र, पारितंत्र या जीव तंत्र। और सही जवाब है विकल्प 3 पारितंत्र। और अंतिम प्रश्न 10, पक्षियों के प्रवास का क्या कारण है? और इनके विकल्प हैं गर्मी से बचाव, या सर्दी से बचाव, या वर्षा से बचाव, या चौथा विकल्प सभी। और इसका सही जवाब है विकल्प 2 सर्दी से बचाव।
तो दोस्तों ये थी अपनी प्रश्नोत्तरी। मुझे तो बड़ा मजा आया, उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। धन्यवाद। Thank you.